बाला बच्चन ने बुधवार को मध्य प्रदेश पुलिस राज्य स्तरीय शूटिंग प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। कार्यक्रम को लेकर उन्होंने कहा कि अपराधी हाईटेक हो चुके हैं, हमारी पुलिसिंग कम नहीं है, वारदात होने के पहले पुलिस उन्हें कुचल देती है। इस तरह की प्रतियोगिता उस समय काम आती है। 1 नवंबर तक चलने वाली इस प्रतियोगिता में 200 से ज्यादा पुलिस जवान भाग ले रहे हैं। प्रशिक्षण प्रभारी डीएसपी डेनियल जोसेफ ने 100 मीटर लॉन्ग फायरिंग में प्रथम स्थान प्राप्त कर स्वर्ण पदक हासिल किया है। प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए कांतिलाल भूरिया का नाम सामने आने पर गृह मंत्री ने कहा, इसका निर्णय सोनिया गांधी को लेना है, हमें जो जिम्मेदारी दी जाती है उसे हम कार्यकर्ता के रूप में करते हैं। इंदौर एयरपोर्ट के निजीकरण पर कहा कि जिनके हाथ में मध्य प्रदेश की कमान है वो बहुत बड़े लीडर हैं। साल भर भी नहीं हुआ है कि और मेट्रो लाइन लेकर आ गए हैं, उनके संबंध में प्रदेश को आगे लेकर जाएंगे। वही विधान परिषद के गठन पर बोले गृह मंत्री, हमें जो जिम्मेदारी दी गई है उसका निर्वहन करना आता है। मुख्यमंत्री और पार्टी का जो भी निर्णय होगा वो प्रदेश के हित में होगा। हमारे प्रतिद्वंदी क्या कह रहे हैं कि हमें उनमें नहीं पड़ना है। परिषद गठन पर प्रदेश पर पड़ने वाले अतिरिक्त भार पर कहा कि 2 लाख करोड़ का खर्च पूर्व की सरकार छोड़ कर गई है, जो कमिटमेंट हमने किया है उसे निभाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। उस जिम्मेदारी का किस ढंग से हम लोग निर्वहन करना जानते हैं और उसी लाइन पे हमारे मुख्यमंत्री जी जो काम कर रहे हैं, और मैं समझता हूँ कि निरंतर हम दिए गए वचनों पे निरंतर हम आगे माननीय मुख्यमंत्री कमलनाथ जी के नेतृत्व में हम लोग बढ़ते जा रहे हैं। देखिए, ये माननीय मुख्यमंत्री जी का और हमारी पार्टी का जो निर्णय जो भी होना होगा, मैं समझता हूँ वही निर्णय होंगे जो प्रदेश के हित में होंगे और प्रदेश के लिए जो बेटर होंगे वही डिसीजन लिए जाएंगे। बीजेपी का कहना है लगभग 2 लाख करोड़ का कर्ज पूर्व की सरकार छोड़ कर गई है, लेकिन अभी जिनके हाथ में मध्य प्रदेश सरकार की जो कमान है माननीय मुख्यमंत्री जी के, वो इस कर्ज को भी धीरे धीरे इस कर्ज से भी निकाल कर जो कमिटमेंट हम लोगों ने जो किया है इलेक्शन में, उन कमिटमेंट को निभाने पे हम लोग निभाते हुए हम लोग आगे काम भी कर रहे हैं।